नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कैम सीरीज के सेकंड पार्ट के बारे में, जहां हम नीरव मोदी और उनके घपलों के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है बैड बॉयज बिलियनियर, जो 2019 में आई थी, उसमें ये सारी की सारी जो स्टोरी है बताई जा चुकी है। यह रहा, चलते हैं बात करते हैं नीरव मोदी के बारे में। इनका जन्म गुजरात के पालनपुर में हुआ था, उसके बाद ये बेल्जियम में एंटवर्प में पले बढ़े। उनका परिवार कई पीढ़ियों से हीरो के कारोबार में ही है और ये जब 19 साल के हुए तब वे और उनके पिता दीपक मोदी अपने चाचा, जो यहां से फिर भाग चुके हैं, मेहुल चौकसी, उनके साथ काम करने लगे। ये मुंबई चले आए थे और गीतांजलि समूह, गीतांजलि ग्रुप जो है, जिनके ऑफकोर्स जिनके कर्ता धर्ता ओनर मेहुल चौकसी है, जो उस वक्त उनके 4000 स्टोर हुआ करते थे इंडिया में, उनके साथ रहने लगे, उनके साथ काम धाम करने लगे। नीरव मोदी ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से वॉर्टन स्कूल में पढ़ाई की थी और वहां से, लेकिन वो पहले ही कुछ साल पहले ही बाहर निकल गए थे। पढ़ाई के दौरान उनकी जो अभी पत्नी है अमी चौकसी, जो एक हीरा व्यवसायी है अमुक राज चौकसी, जो वहां के बिलियनर व्यवसायी हैं यूके के, उनकी बेटी से मिली। मोदी ने 1999 में फायर स्टार कंपनी की स्थापना की थी, जिसे पहले फायर स्टोन के नाम से जाना जाता था। ये एक डायमंड सोर्सिंग और ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसके नाम पे बाद में कई घपले भी। 2010 में इन्होंने नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपने नाम से नीरव मोदी ये जो ब्रांड है उससे एक डायमंड स्टोर लॉन्च किया, जिसके बाद मुंबई में काला घोड़ा में एक और स्टोर खोला गया, जहां पर बहुत ताम झाम के साथ बहुत ज्यादा पैसे खर्चे करके एथलीट्स, फिल्म स्टार्स और ये जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, उस वक्त तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स का जमाना नहीं था, बट इन्होंने जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उस टाइम पे के उनको बुलाया था, ताकि ये पेज 3 में दिखाई दे जा सके। दुनिया भर के 17 और स्टोर्स इन्होंने खोले 2015 तक, न्यूयॉर्क, हांगकांग, और जब इन्होंने हांगकांग में स्टोर खोला था तब इन्होंने काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाए थे। उसके बाद 2016 में हांगकांग में और दो बुटीक खोले, 2016 में मकाओ में एक बुटीक खोला गया। तो इनके नाम पर जो बुटीक्स खुल रहे थे वो बिल्कुल ऐसे खुल रहे थे जैसे कोई लाइन लग गई हो। नाउ हाउ वाज ही मैनेजिंग ऑल द फंड्स, इनके पास पैसे आ कहां से रहे थे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनके कुछ अचीवमेंट्स भी है दोस्तों, जो उस वक्त की जो सरकार थी या उस वक्त की जो मीडिया थी उसके गाने गाते गाते नहीं थकती थी। तो 2010 में क्रिस्टीज और साउथबीज की बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है, इनके कैटलॉग के कवर पर प्रदर्शित होने वाले सबसे पहले जो भारतीय ज्वेलर है, भारतीय जोहरी, वो नीरव मोदी। 2013 में फोर्ब्स की इंडियन बिलियनर्स की जो लिस्ट है उसमें ये शामिल हुए, उससे इनका नाम रातों रात फैल गया और ही बिकेम एज ऑलमोस्ट यू नो लाइक ओवरनाइट फेमस। मीडिया में इनके बारे में लिखा जाने लगा और रातों रात कई लोग इनके सामने पलक पावड़े बिछाकर इनको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार थे। बहरहाल ये पूरा घपला यहीं से शुरू होता है, जब इनके पास पैसे नहीं थे तो ये इतने सारे स्टोर्स कैसे खोलते जा रहे थे। एक सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने 500 करोड़ के भी ऊपर की जो प्रॉपर्टी है समुद्र महल, यहाँ पर सिर्फ जो हुज हु है मुंबई के वो ही रह पाते हैं। सो वाज एक्चुअली ओनिंग अ प्रॉपर्टी, वाज लिविंग इन अ हाउस व्हिच एक्चुअली बिलोंग टू द हुज हु ऑफ मुंबई। तो करोड़पति अरबपति जो लोग होते हैं वो समुद्र महल में रहते हैं। सो इट वाज ऑल प्लान्ड कि उनको वहां रहना है, उनको अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छे लोगों के साथ उनका नाम लिया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जालसाजी की, पंजाब नेशनल बैंक है उनके ऑफिसर्स के साथ मिलकर, जहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है उसमें छेड़छाड़ की गई। अब आप सोचेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, ये बिल्कुल एक क्लेम की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मेरे एरिया में आते हैं, मेरे घर में कोई शादी होने वाली है और आप अचानक से आ जाते हैं और मैं बोलता हूँ चलिए मैं आपको, अगर आपने कपड़े नहीं बनाए तो मैं आपको मेरे टेलर के पास लेके चलता हूँ। मेरे टेलर के पास आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप इनके कपड़े सी दीजिए, ठीक है, एंड ही विल पे लेटर ऑन, क्योंकि टेलर मुझे पहचानते हैं तो मैं आपका जो क्रेडिट है उसको मैं क्लेम करता हूँ। सो मैं लाइक क्लेमिंग द क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो एक इंटरनेशनल बैंक या कोई एक बैंक दूसरे बैंक के नाम पे देती है और इसमें बहुत ज्यादा जालसाजियां होती है, मतलब आप नकली भी बना सकते हैं बहुत ईजी। फरवरी 2018 में भारतीय सरकार के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मोदी, नीरव मोदी की जांच शुरू की। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर कार्रवाई हुई और आरोप लगाया कि मोदी और उनके सहयोगी और जो उनका जो पूरी टीम होती थी, उन्होंने साजिश करके बैंक को 28,000 करोड़ रुपीज का धोखा दिया है, ऑलमोस्ट US $4 बिलियन इतना आप पकड़ सकते हैं।
बैंक अधिकारियों को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो दिए गए जिसके अंदर बहुत ज्यादा धोखाधड़ी की गई। पंजाब नेशनल बैंक को संभावित नुकसान ऑलमोस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड लॉस वो 11,000 करोड़ तक होने की सूचना पाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे हैं और सीबीआई ने उसके खिलाफ दर्ज किया है पूरा का पूरा मामला। ये जब अपना प्रोपोगंडा करते थे, इंडियन सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था जैसे सोनम कपूर है, प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा इससे पहले भी ऐसे कई मामलों के अंदर पाई गई हैं जहां पर ये सिर्फ पैसे के लिए कहीं पर भी आ जाते हैं अपने प्रेजेंस देने के लिए। एंड सिंस राइट नाउ शी इज अ फॉरेन नेशनल हरसेल्फ, वो बाहर ही रहती है अपने हस्बैंड के साथ, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू नो टू क्वेश्चन पीपल हु एक्चुअली बिलोंग टू सच काइंड ऑफ सोर्सेस। तो ये खुद भी सिर्फ पैसे के लिए आते हैं जैसे मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स करते हैं आजकल, उनको सिर्फ पैसा मिल जाए वो कोई भी ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं। उसमें का एक ब्रांड है आपको पता ही होगा सहारा का, जो कई साल पहले वो भी एक धोखाधड़ी का ही केस है। स्कैम पार्ट 3 में हम उनके ही बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी जालसाजी की। और जब इनको लंदन में पाया गया ऑलमोस्ट लाइक इन असाइलम, जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने लंदन की गवर्नमेंट को बोला कि नहीं मेरे पर ये तो पॉलिटिकल जालसाजी का केस है। और उसके बाद ही इज बीन इन प्रिजन, मतलब उनको पकड़ लिया गया, उनकी जो एक्सट्रेडिशन की डिमांड है वो पूरी कर दी गई है और अभी फिलहाल ही रिमेन्स इन प्रिजन, मतलब वो जेल में ही है वैंड्सवर्थ प्रिजन साउथ वेस्ट लंदन। 23 जून 2021 में यूके के हाई कोर्ट है, उन्होंने मोदी नीरव मोदी की जो एप्लीकेशन है उसको रद्द कर दिया। उन्होंने बोला था नहीं मैं इंडिया नहीं जाना चाहता और इट इज बीन पोस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2021 के पैंडोरा पेपर्स, अभी आपको अगर नहीं पता हो तो पैंडोरा पेपर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, ये दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े घपले होते हैं उसमें पैंडोरा पेपर्स लीक जो होता है उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। उसमें लास्ट ईयर सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया है, बड़े बड़े लोगों के नाम है, जैकी श्रॉफ का नाम आया। तो पैंडोरा पेपर्स के अंदर क्लियरली लीक हुआ कि उनकी जो सिस्टर है पूर्वी मोदी, उन्होंने ऑलरेडी उनके लिए एक ऑफशोर फर्म अकाउंट है वो खोल दिया था जस्ट बिफोर ही फ्लेड इंडिया, इंडिया से भागे हैं। तो ऑफकोर्स जैसा कि मैंने इससे पहले का जो वीडियो है उसमें बताया है कि जब ये लोग भागते हैं तो इनके खुद के सोर्सेज होते हैं इंटरनली, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं इंटरनल, बहुत सारे इनके सोर्सेज होते हैं, तो इनको चुपचाप से खबर दे देते हैं कि भैया आपका भांडा फूट गया है, आप अभी यहां से रफू चक्कर होने की पूरी तैयारी कर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिम दोस्तों। वो जो डॉक्यूमेंट्री है बैड बॉयज बिलियनेयर, उसमें जो इनके एम्प्लॉयज हैं जो जो इनका जो जहां पर बिजनेस चल रहा था गुजरात में, तो वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट इनके नाम पर ऐसा भी है कि ही वाज एक्चुअली स्पॉन्सरिंग 250 स्टूडेंट्स एवरी सिंगल ईयर, उनकी पढ़ाई का वो पूरा खर्चा उठाते थे वो और उनकी जो वाइफ है, उनका एक खुद का फाउंडेशन है सो नीरव मोदी स्कॉलरशिप फॉर एक्सेलेंस, सो उसमें वो 250 स्टूडेंट्स को हर साल पढ़ाई लिखाई के लिए सपोर्ट करते थे। सो दे आर स्टिल लाइक यू नो दे वर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कपल, ये सारी चीजें, बट फिर भी उन्होंने घपला इतना बड़ा किया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उनके क्या कैलकुलेशंस रॉन्ग हुए, ये कोई बताया नहीं सकता। बट हालांकि उनके साथ जो काम करते थे उनका उनका ऐसा बोलना था कि इनको बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाना था, ही डिड नॉट वांटेड टू स्पेंड यू नो 20 इयर्स, उनको 20 साल में कहीं नहीं पहुंचना था, उनको 5 साल में बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचना था। और इसी रीजन की वजह से वो बिल्कुल धनाधन धनाधन पैसा उठाते गए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, पीआर बनाया अच्छी तरीके से और बहुत शोषा हुआ है इन सारी चीजों के पीछे, ताकि जो पीछे का फ्रॉड है वो किया जा सके। फ्रॉड पकड़ा गया है बिल्कुल इनका, और कोई भी दिन जा रहा है जब उनको लंदन से पकड़कर यहां पर लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी उनकी स्टोरी, आपको कैसा लगा ये भाग, ये जो सीरीज का पार्ट है आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए मुझे। एंड आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, अगला जो वीडियो है स्कैम सीरीज का लास्ट सीरीज का आखिरी पार्ट है, सहारा श्री पे बनेगा सुब्रत रॉय पे। तो मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।